इमेजिन कीजिए कि आप जुपिटर के चारों ओर एक स्पेसशिप में ऑर्बिट कर रहे हैं। सोलर सिस्टम का ये सबसे बड़ा प्लैनेट अपने आप में ही एक बहुत विशालकाय सोलर सिस्टम की तरह है। जुपिटर के 79 मून्स हैं, वो उसके चारों ओर ऑर्बिट करते हैं। अब अपनी स्पेसशिप की खिड़की से बाहर की ओर झांकते हैं और तभी अचानक से आपको ये दिखता है। अरे ये क्या, इतना बड़ा पिज्जा, वो भी स्पेस में। वेट ए मिनट, ये कोई पिज्जा नहीं है बल्कि ये है जुपिटर का थर्ड सबसे बड़ा मून आयो, और इसे सबसे पहले 8 जनवरी 1610 को गैलीलियो गैलीलेई ने खोजा था। वैसे क्या आप जानते हैं कि आयो पर माउंट एवरेस्ट से भी बड़े बड़े माउंटेन्स मौजूद है और लावा का समुद्र भी यहाँ पर तैरता रहता है। जब आप आयो का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि इसका नाम आयो क्यों है। और अगर मैं कहूं कि धरती के इतिहास को जानने में आयो का बहुत बड़ा योगदान रहा है तो क्या आप मुझ पर बिलीव करोगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको जुपिटर के मून आयो से जुड़े ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं जो आपको वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखने पर मजबूर कर देने वाला है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, आयो का मीन डायमीटर 3643 किलोमीटर है और इसी के साथ ये सोलर सिस्टम का फोर्थ सबसे बड़ा मून है। ये धरती के मून से करीब 5% ज्यादा बड़ा है और धरती के कंपैरिजन में सिर्फ 28% ही है। 1979 में वॉयजर 1 और वॉयजर 2 इसके पास से गुजरे थे। 1990s और 2000 में गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने इसकी स्टडी की थी। साल 2000 में कैसिनी हुगिंस, 2007 में न्यू होराइजंस और 2017 से लेकर अभी तक जूनो स्पेसक्राफ्ट हमें आयो के बारे में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप भी लगातार इसकी खोज करता रहता है और इसको ऑब्जर्व करने के लिए धरती पर कई ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप भी एस्टैब्लिश किए गए हैं। आयो के नाम के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी छिपी हुई है। कुछ दिनों पहले हम आपके लिए गैलीलियो गैलीलेई और साइमन मैरियस के बीच जुपिटर के मून्स की खोज को लेकर हुई कंट्रोवर्सी के बारे में एक वीडियो बनाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आए के बटन पर आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। गैलीलियो ने जुपिटर के इस मून का नाम रखा था जुपिटर 1, वही मारियस ने इसके कई नाम दिए थे जिनमें मर्करी ऑफ जुपिटर और द फर्स्ट ऑफ द जोवियन प्लैनेट भी शामिल थे। लेकिन साल 1613 में जॉनस कैपलर के सजेशन पर उन्होंने इसका नाम आयो नाम के ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर पर रखा था। ग्रीक माइथोलॉजी में आयो आर्गस नाम की जगह की प्रिंसेस थी और गॉड ऑफ स्काई एंड थंडर कहे जाने वाले ज्यूस की एक प्रेमिका थी। इसकी खोज का श्रेय गैलीलियो को मिला लेकिन इसका नाम मैरियस ने रखा था। गैलीलियो के दिए हुए नाम से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आयो जुपिटर के सबसे करीब वाला मून है। ऐसा माना जाता है कि जब जुपिटर और इन मून्स का फॉर्मेशन हुआ था तब इस एरिया में काफी ज्यादा मात्रा में वाटर आइस मौजूद थी और इसके सबूत हमें जुपिटर के दूसरे बड़े मून्स पर मिलते भी हैं। लेकिन आयो पर आपको कोई भी वाटर आइस देखने को नहीं मिलती है। सोलर सिस्टम में मौजूद किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में आयो में मौजूद पानी की मात्रा सबसे कम है। ऐसा माना जाता है कि आयो पर भी पहले पानी था लेकिन जुपिटर के इतने करीब होने के कारण उसकी रेडिएशन से इसने अपना सारा पानी खो दिया है। हालांकि ऐसी एडवर्स कंडीशंस के बावजूद साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि यहाँ की सरफेस के बहुत नीचे लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है और क्या पता कोई जीव अभी भी वहाँ पर रह रहे हो। हालांकि आयो की सरफेस के नीचे भी हमें कई अजूबे देखने को मिलते हैं। आयो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा जियोलॉजिकली एक्टिव ऑब्जेक्ट कहा जाता है। यहाँ पर 400 से भी ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोस खोजे जा चुके हैं। एक बार जब यहाँ कोई वॉल्केनो फटता है तो उसका लावा हमें कई 100 किलोमीटर दूर तक बहता हुआ नजर आता है। इसके वॉल्केनोस में होने वाले एक्सप्लोजन्स इतने खतरनाक होते हैं जिनकी कल्पना हम धरती पर नहीं कर सकते। ऐसा सिर्फ एक एक्सप्लोजन 20 लाख करोड़ वाट एनर्जी को एमिट कर सकता है। एरप्शन के दौरान वोल्केनो से निकलने वाले रॉक्स, डिब्रीज और सल्फर के प्ल्यूम्स आपको इसकी सरफेस से 500 किलोमीटर ऊपर स्पेस में भी नजर आते हैं और हम धरती पर बैठकर टेलीस्कोप के मदद से भी इन्हें साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन क्या आप यहाँ पर होने वाले इतने खतरनाक वोल्केनिक एरप्शन के पीछे का कारण जानते हैं?
वेल, ऐसा माना जाता है कि आयो की सॉलिड सरफेस के नीचे 50 किलोमीटर गहरे लावा का समुद्र है। आयो का टोटल सरफेस एरिया नॉर्थ अमेरिका के बराबर भी नहीं है, लेकिन इसके वॉल्केनोस धरती के सभी वॉल्केनोस से करीब 100 गुना ज्यादा लावा रिलीज करता है। यहाँ पर लोकी पैट्रा नाम का एक वॉल्केनिक डिप्रेशन है जो 204 किलोमीटर में फैला हुआ है और पूरी तरह से लावा से भरा हुआ है। अब अगर हम बात करें आयो के टेम्परेचर की, तो ये कोहली और धोनी का मिक्सचर है, यानी कि फायर एंड आइस का मिक्सचर। एक तरफ तो जब यहाँ पर वॉल्केनिक एरप्शंस होते हैं तो इसका टेम्परेचर 1650 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो मरकरी और वीनस के टेम्परेचर से कई गुना ज्यादा है। तो वहीं पर रात के समय इसका टेम्परेचर -130 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। इस तरह इसके टेम्परेचर वेरिएशन की रेंज सोलर सिस्टम के किसी भी दूसरे मून के कंपेरिजन में काफी ज्यादा है। अब अगर इतनी ज्यादा गर्मी, हड्डियां कपा देने वाली ठंडी और पानी की एब्सेंस के बावजूद भी आप आयो पर जाने का सपना देख रहे हो, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि इस प्लैनेट की स्मेल बिल्कुल किसी सड़े हुए अंडे की तरह है। यूरेनस की तरह यहाँ के एटमॉस्फेयर में भी हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस काफी ज्यादा मात्रा में है, और ये सारी गैसेस यहाँ होने वाले वॉल्केनिक एरप्शंस के कारण ही रिलीज होते हैं। इस बात को सुनने के बाद आप भी ये सोच रहे होंगे कि आयो की सारी परेशानी शायद यहाँ मौजूद वॉल्केनोस के कारण ही है, लेकिन हमें ये बात भी याद रखनी होगी कि यही गैसेस आयो पर एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन भी करती है और इसे एक यूनिक प्लैनेट बनाती है, जबकि जुपिटर के मोस्टली मून्स पर तो कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है। आयो के एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड के प्रेजेंस के कारण यहाँ पर आयोनाइज्ड पार्टिकल्स काफी ज्यादा मात्रा में हैं, जो इसकी इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनता है। इन मैग्नेटिक फील्ड्स का कारण यहाँ पर आपको बेहद विशाल और खतरनाक लाइटनिंग स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं। यही नहीं, इसके कारण आयो के सरफेस से हर सेकेंड करीब 1 टन मटेरियल निकल कर उड़ता रहता है, और ये इसके चारों ओर रेडिएशन का एक क्लाउड बना लेता है, जिसे हम प्लाज्मा टॉरस कहते हैं। ये भी एक रेयर फिनोमिनन है जो हमारे सोलर सिस्टम में बहुत कम ही देखने को मिलता है। वैसे क्या आप ये जानते हैं कि आयो पर एक साल कितना लंबा होता है? अगर बात करें हमारे मून की, तो चांद का एक साल यानी कि इसे धरती को ऑर्बिट करने में 27 दिन का समय लगता है, लेकिन आयो का एक साल धरती के 42 घंटों के बराबर ही होता है। मतलब धरती के सिर्फ 1.8 डेज में इसका एक साल फिनिश हो जाता है। दोस्तों, धरती पर आपने पानी वाली बर्फ गिरती हुई तो देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हो कि आयो पर सल्फर स्नो की बारिश होती है? इसके एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस के कारण ये सल्फर स्नो इसके क्लाउड्स में बनती है। हर दिन 2 घंटे के लिए आयो जुपिटर की शैडो में रहता है। इस समय में इस तक आने वाली सनलाइट पूरी तरह से रुक जाती है और यहाँ का टेम्परेचर तेजी से नीचे गिरने लगता है। ऐसे में इसके सल्फर क्लाउड स्नो बनकर बरसते हैं और इसके वॉल्केनो से निकलने वाली गैसेस भी एटमॉस्फेयर में फ्रीज होकर स्नो के फॉर्म में बरसने लगती है। लेकिन जैसे ये 2 घंटे खत्म होते हैं और आयो एक बार फिर सूरज की लाइट में एंटर होता है, तो सनलाइट के कारण ये सल्फर स्नो एक बार फिर से वेपोराइज होकर गैस में बदल जाती है और फिर से एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन करने लगती है। लॉकडाउन के कारण आप में से कई लोगों ने रोटी बनाने की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली होगी, और आप ये भी जान चुके होंगे कि रोटी बनाते समय हम आटे को जैसा शेप देते हैं वो वैसे ही शेप ले लेता है। कुछ ऐसे ही कहानी है आयो की। जुपिटर की सुपर पावरफुल ग्रेविटी समय समय पर इस मून का शेप बदलती रहती है। इसका कारण आयो की सरफेस के नीचे प्रेजेंट लावा का शिफ्ट होना भी माना जाता है। इसीलिए इसके कई एरियाज कभी 50 मीटर तक उठे हुए दिखते हैं तो कभी जमीन के नीचे धसे हुए। आखिर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आयो किस तरह हमें धरती के इतिहास को जानने में मदद कर रहा है। दोस्तों, आयो पर वॉल्केनोज और लावा के समुद्रों के प्रेजेंस और वहाँ लगातार होने वाली एक्टिविटी हमें उस समय के बारे में स्टडी करने में मदद करती है जब धरती नई नई बनी थी और यहाँ पर जियोलॉजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती थी। धरती पर भी उस समय ऐसी एक्टिव वॉल्केनोज और लावा के समुद्र रहे होंगे। वैसे क्या ये बात इसकी ओर इशारा करती है कि एक दिन आयो पर भी धरती की तरह ही लाइफ कंडीशंस हो सकती है?
well, इसके बारे में फिलहाल तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो नहीं किया तो कर क्या रहे यार, जल्दी जाकर भी फेसबुक और इंस्टाग्राम जाकर फॉलो करो। अगर आप नए हो चैनल पर दोस्तों इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को रिंग कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।